बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान के शहर शहर आप देख रहे हैं के टू शहर। मैं हूँ रिदा इमरान। एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है, एक नए हफ्ते का, बल्कि एक नए महीने का आगाज़ हो चुका है जनाब। ऐसा ऐसा 2023 अपने अख्तिताम की तरफ पहुँच रहा है और दुआ है कि हर दिन, हर महीना, हर हफ्ता हमारे लिए अच्छी खबरें लेकर आए, आसानियाँ लेकर आए। और 0514102251 हमारा नंबर है, इस पर कॉल करके आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। बहुत सी खबरें, बहुत से मेहमान, बहुत सी बातें लेकर आए हैं जी आपके सामने, और आपकी कॉल्स का हमें इंतज़ार रहता है। आपसे बातें करने का बहुत दिल करता है और कोशिश करते हैं कि एक प्लेटफॉर्म दें आपको कि जहाँ पे कॉल करके आप प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएं। आज हमारे स्टूडियो में एक्चुअली ब्लैक कलर डे मनाया जा रहा है। खुदा ना खासा ब्लैक डे नहीं है कि अक्सर लोगों ने ब्लैक कलर पहने हुए हैं। मैं तो इसलिए पहनती हूँ कि आई लुक स्लिम इन ब्लैक कलर, अच्छा लगता है, और आप बड़े ना मुझे शार्प से लगते हैं अपने अच्छे ब्राइट कलर्स अगर पहने हो तो। लेकिन उसकी दूसरी वजह ये भी होती है कि हमारे जो रंग हैं जो हम चूज़ करते हैं हमारे मूड को शो करते हैं। तो मंडे को स्पेशली आई चूज़ ब्राइट कलर्स के हफ्ते का दिन जो है, हफ्ते का आगाज़ जो है बड़े अच्छे से हो जाए। और आज का प्रोग्राम जो है ना वो बड़ा, हमेशा की तरह से कोशिश हम कर रहे होते हैं कि एंटरटेनमेंट भी रहे, कुछ सीखने को भी मिले, और एक राउंडअप भी आपको पिछले हफ्ते का देंगे, कुछ मज़ेदार सी खबरें भी आपको सुनाऊंगी। लेकिन उससे पहले बताती चलूं कि अगर आपके घर में रौनक है, रौनक दो चीज़ों से होती है, दो लोगों की वजह से होती है। एक कैटेगरी है बच्चों की, बच्चे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, शोर मचाया हुआ है, तो ज़िंदगी बड़ी अच्छी लगती है। घर में आवाज़ें आ रही होती हैं, डांट पड़ी है बच्चों को, भाग रहे हैं, चीज़ें टूट रही हैं, अच्छा लग रहा होता है, बड़ी जल्दी बच्चे बड़े हो जाते हैं। और अगर बुज़ुर्ग हैं घर में तो, जो उनको समझाने वाले हों, जो उनके साथ टाइम स्पेंड करने वाले हों, जो आपको समझाने वाले हों, सर पे एक साया सा रहता है कि जी है कोई जिसने नज़र रखी हुई है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो कि 1 से 5 साल तक के बच्चे भागने दौड़ने से माजूर हो जाएं, चल फिर ना सकें, तो दिल बड़ा दुखता है। एक तो इसलिए कि आप कुछ कर नहीं सकते, हेल्पलेस होते हैं, एज अ पेरेंट समझ नहीं आता किस तरह से बच्चों को रिहेबिलिटेशन सेंटर ले जाएँ या चलाएँ, क्या करें। लेकिन उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एहतियात हो, आपके पास तमाम एहतियाती तदाबीर हो, किस तरह से आप अपने बच्चों को सेहतमंद रखें। जैसे कि पूरी दुनिया में पोलियो का खात्मा हो चुका है, बट अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान और पाकिस्तान वो दो ममालिक हैं कि जहाँ पे ये जो मुसीबत है वो ख़त्म नहीं हो रही है, और हमारी आने वाली नस्लें जो है वो इससे मुतासर हो रही हैं, हो सकती हैं, और इससे हमने बचना है। अब उसके लिए देखिए ज़रूरी है कि पोलियो खुदा ना खास्ता अगर हो जाए फिर तो देयर इज़ नो लुकिंग बैक। लेकिन अगर आप पोलियो के कुछ कतरे बच्चों को पिला देंगे तो आपके बच्चे जो हैं वो पोलियो से बच सकते हैं, माजूरी से बच सकते हैं, और एक अच्छे शहरी बनेंगे। आज से लेकर एक हफ्ते तक के लिए पूरे पाकिस्तान में पोलियो के खिलाफ मुहिम का आगाज़ हो चुका है। आपके घरों में वॉलंटियर्स आएंगे जो कि आपके बच्चों को कुछ कतरे पोलियो के पिलाएंगे, और अगर 1 से 5 साल तक के बच्चे आपके घर में हैं या आपके नेबर्स में हैं, या आपने देखा है आपके आपके पास जो डोमेस्टिक हेल्पर जो काम करने के लिए लोग आते हैं उनके पास बच्चे हैं, तो आपने उन्हें कतरे ज़रूर पिलाने हैं ताकि वो आइंदा की ज़िंदगी जो है वो फाल तरीके से गुजार सकें, माजूरी से बच सकें। तो आइए कुछ प्रोग्राम के आगाज़ में इसी तरह की हम बात करते हैं और मिलाते हैं। हमारे प्रोग्राम में आज मौजूद हैं इसी हवाले से इंफॉर्मेशन देने के लिए, अवेयरनेस देने के लिए, जनाब आसिम जफर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह गुड मॉर्निंग। पहुंच गए आराम से, वो तो मॉर्निंग पर्सन है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 8 बजे ऑफिस टाइम। मुझे लगा भाई मुलाकात हो चुकी है आपसे, बट नहीं, मुझे लगता है कि किसी हुई है, लेकिन चैनल पे किसी। हाँ जी, देखिए दुनिया बड़ी छोटी है। अच्छा, बहुत बड़ा प्रोफाइल आसिम साहब का, लेकिन जो मेरे पास दो जो मैं इजीली बोल सकती हूँ वो है जी कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं साया एसोसिएशन की, इसके अलावा सीनियर मैनेजर है हैंड्स इंटरनेशनल के, और बहुत सारे काम कर रहे हैं। और जैसे कि आपने देखा कि पोलियो का शिकार बचपन में हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इसको माजूरी नहीं बनने दिया। असिन साहब, जर्नी का आगाज कैसे हुआ? इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, लेट्स कट इट शॉर्ट, बताइए जरूर। जी जी जी, 3 साल की एज में प्रॉपर वैक्सीनेशन ना होने की वजह से, क्योंकि उस दौरान अभी तो बहुत मीडिया पे एडवर्टाइज होता है, बहुत कंपेन गवर्नमेंट चलाती है मुख्तलिफ चैनल्स पे, जिस तरह आज आपने इसको कह रहे हैं, रियली अप्रिशिएट कि आपने इसे इतने इम्पॉर्टेंट इशू को हाईलाइट किया। तो उस जमाने में तो मतलब अगर आप 80s की बात करें तो इतनी अवेयरनेस नहीं थी लोगों को, ना इतनी एक्सेस थी, तो उस वक्त जो था वो प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं हो सकी थी, और 3 साल की एज में फिर पोलियो हो गया। और पोलियो के बाद मैं आई बिलोंग फ्रॉम लाहौर बट नाउ आई एम लिविंग इन इस्लामाबाद। ठीक है, तो लाहौर में मतलब मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स के साथ रहता था, तो 7-8 साल का था, मेरे फादर की डेथ हो गई, ही वाज इन जर्मनी, उनका वहाँ पे कुछ हेल्थ इश्यूज थे। अच्छा, तो इस वजह से
लेकिन जो बताने की बात है कि पोलियो की वजह से, क्योंकि अगर हम थोड़ी सी कोताही बीइंग अ पेरेंट्स कर देते हैं या लोगों की बातों में आ जाते हैं या फिर हमारी कुछ मिथ्स बनी हुई हैं, कुछ माइंडसेट है यहाँ पे कि ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, हाँ ऐसा जी, हाँ जी। ऐसा कुछ नहीं है। मेडिकल साइंस बहुत आगे जा चुकी है और दीन भी कहता है कि आपको अपने इलाज के लिए कुछ करवाना चाहिए। तो वो पोलियो एक दफ़ा हो गया तो उसका तो इलाज नहीं है, और मेरी दोनों टांगों में पोलियो हुआ और ब्लड सर्कुलेशन बहुत कम है ना होने का, क्योंकि मसल्स डेड हो जाते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होती है, पावर नहीं होती तो आप खड़े नहीं हो सकते हैं, कोई काम नहीं कर सकते, मोबिलिटी खत्म हो जाती है। मुझे नहीं पता कि मुझे चलना क्या होता है, मुझे नहीं पता कि बस पे भाग कर चढ़ना क्या होता है, झूला लेना क्या होता है, दीवार फलांगना क्या होता है, ये मुझे नहीं आइडिया है, मतलब मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन अगेन वही बात है, ये वो चीज़ है जिससे हमें बचना है, हमें अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीनेशन करवानी है। उसकी बड़ी वजह ये है इसलिए कि सोसाइटी में बहुत सारे बैरियर्स हैं ना जी, बिल्कुल एटीट्यूडनल बैरियर्स हैं, फिजिकल बैरियर्स हैं, एनवायरमेंटल बैरियर्स हैं, बहुत सारी रुकावटें हैं आम लोगों के लिए, जिसकी वजह से हम जैसे लोग डिसेबल्ड हो जाते हैं एक्चुअली में। मिसाल के तौर पर मैं आम लोगों की तरह बस में नहीं जा सकता, लोकल वैन में ट्रेवल नहीं कर सकता क्योंकि लोकल वैन मेरे मुताबिक नहीं बनी, बिल्कुल सही। स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में मेरी एक्सेस नहीं है क्योंकि वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी नहीं है, मेरे लिए वॉशरूम नहीं है एक्सेसिबल, व्हीलचेयर का रास्ता नहीं है। इसी तरह से आप पार्क्स में, शॉपिंग मॉल में, रेस्टोरेंट्स में नहीं जा सकते, तो इन बैरियर्स की वजह से आइसोलेशन फील होती है। आइसोलेशन तो जो होती है वो होती है, लेकिन इन सारे बैरियर्स की वजह से आप सोसाइटी से एक्सक्लूड हो जाते हैं, तनहा हो जाते हैं। तो उन सारे बैरियर्स की वजह से बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, आप डिपेंडेंट हो जाते हैं, पेरेंट्स को लगता है कि ये अब विद डिसेबिलिटी है कुछ नहीं कर सकता, सारी उम्र के लिए डिपेंडेंट रहेगा। लेकिन दो चीज़ें हैं, एक तो प्रिवेंशन है कि आपने अपने शुरू से ही अपने बच्चों को प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाएं, तमाम जितनी भी डॉक्टर्स की तरफ से बचपन में हमें वो लगते थे यहाँ पे निशान भी लग जाता, अभी तक निशान है लेकिन अब नहीं है, अब जो नई उनमें नहीं होते बच्चों को, पोलियो के तो इंजेक्शन है भी नहीं, कतरे होते पोलियो के तो ड्रॉप्स हैं। तो इस तरह और भी बहुत सारी वैक्सीनेशन मौजूद हैं जो हिफाजती बच्चों के लिए लगाए जाते हैं, तो एक तो ये इस पे ऊपर काम करना है। दूसरा ये है कि फिर उसके बाद जिन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उनको कैसे देखना है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप दिल से अपने आप को कबूल कर लेते हैं, एक्सेप्टेंस कि आप सेल्फ एक्सेप्टेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हाँ बिल्कुल सही। तो हमारे यहाँ तो मैं देखता हूँ यूथ हमारी आजकल बेचारी कम्प्लेक्शन थोड़ी डार्क है, उसको लेके इतना परेशान हो जाते हैं, इतना ज़्यादा डिसहार्ड हो जाते हैं कि जी मैं वो, मतलब बहुत उनका बुरा हाल हो जाता है। तो सेल्फ एक्सेप्टेंस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट इन चीज़ है कि आप अपने आप को दिल से कबूल करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको जैसा भी बनाया है। देखिए अल्लाह ताला की तख्लीक है ना, इंसानों को 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, बिल्कुल, तो वो कभी किसी को गलत नहीं बना सकता। अगर वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, उसने किसी को गलत नहीं बनाया, किसी की हाइट ज़्यादा है, किसी की कम है, मुनफरिद है हर कोई, किसी की आइज़ ब्राउन है, किसी की ब्लैक है, कोई मोटा है, कोई पतला है, मुख्तलिफ डिफरेंट तख्लीक है अल्लाह ताला की और बेहतरीन तख्लीक है। तो हम अपने आप से जब दिल से अपने आप को कबूल कर लेते हैं तो फिर मुआशरा भी आपको कबूल करता है। अच्छा बिल्कुल सही। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अल्लाह ताला को शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला एक चीज़ लेता है उसके बदले बहुत सारी चीज़ें आपको देते हैं, बहुत सारी चीज़ें अता करते हैं। लोगों की नज़रों में मुझे अपनी सारी लाइफ 40+ मैंने अपनी सारी लाइफ व्हीलचेयर पे गुजारी है। आई ड्राइव माय कार, मैं अपनी गाड़ी खुद चलाता हूँ, मैं अपने सारे काम खुद करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मैं अपनी गाड़ी खुद चला कर आया। अच्छा, तो विद नो हेल्प? नो नॉट एट ऑल, दैट इज हैंड कंट्रोल सिस्टम और उसको मैं यूज करके। लेकिन हर किसी के पास तो ये फैसिलिटीज नहीं है ना, तो बाइक भी चला लेते हैं लोग। मैंने बहुत अरसा 3-wheel बाइक चलाई, उसको मॉडिफिकेशन किया, तो जैसे जैसे मेहनत करते गए, अल्लाह ताला नवाजता गया, तो आप तरक्की करते जाते हैं। लोगों की नज़रों में शायद ये व्हील चेयर
एक वीकनेस है लेकिन मेरी ये स्ट्रेंथ है, मेरी ये पहचान है, इस व्हीलचेयर की वजह से आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ। बिल्कुल सही। तो ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए और जिंदगी बहुत खूबसूरत है, एक ही दफा मिलती है, बार बार नहीं मिलती, इंजॉय करना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा आप मतलब आपको तो खैर मेमोरीज नहीं होंगी जब पता चला आपको कि आपके साथ वो पहला दिन याद है जब रियलाइजेशन हुई आपको? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई रवैया बहन भाइयों का, माँ बाप का? मुझे मेरे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स बताते हैं कि फीवर हुआ था और फीवर के बाद एकदम शिवरिंग हुई थी। अब उस जमाने में कुछ लोग इसको टाइफाइड भी बोलते थे, कुछ बड़ा बुखार भी बोलते थे। अगेन वही बात है, बहुत सारी यहाँ पे मिथ्स हैं तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। और डॉक्टर्स के पास लेकर गए तो उन्होंने बताया कि अब ये हमेशा के लिए पैरालाइज हो गए हैं। फौरन डायग्नोस हो जाता है कि पोलियो है। जी। तो उसमें ये है कि फिर जो है वो मसल्स जो है वो ऑलमोस्ट डेड ही हो चुके होते हैं। और ये सिर्फ आपकी टांगों के ऊपर जो है अटैक करता है? नहीं, ये टांगों पे नहीं होता, ये बॉडी के किसी भी, बहुत सारे लोगों की अपर पोर्शन में होता है। किसी के राइट लेग और राइट आर्म में होता है, किसी के लेफ्ट लेग और लेफ्ट आर्म में होता है, किसी के सिर्फ एक बाजू पे होता है, किसी की दोनों बाजुओं पे होता है, किसी की दोनों टांगों पे होता है, ये जिस्म के किसी हिस्से पे भी। नॉर्मली मैंने टांगों का देखा है कि ज्यादातर जो इसमें आता है वो फिजिकल डिसेबिलिटीज में आ जाता है कि दोनों टांगों में होता है, लोअर पोर्शन में। और क्यूरेबल नहीं है, एक दफा हो गया तो फिर कोई इलाज नहीं है इसका। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने, हर माँ बाप की विश होती है कि उसका बच्चा दूसरों की तरह दिखे, दूसरों की तरह चलना शुरू हो जाए, डिपेंडेंट ना हो, इंडिपेंडेंट हो। तो मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत इलाज करवाया, मेरी कुछ 4 के करीब सर्जरीज हुई। और उस जमाने में तो वो सर्जरीज भी लंबी लंबी होती थी, एक सर्जरी होती थी तो 6 मंथ्स के लिए, 8 मंथ्स के लिए प्लास्टर लग जाता था। वो अब आप खुद सोचें, हब्स का मौसम है, बरसात का, गर्मी का, तो उसमें 8 महीने के लिए प्लास्टर लगे। नहीं, मैं तो 10 तक मेरी सर्जरीज होती रही। लास्ट सर्जरी मैं 10 में था जब मेरी हुई। और फिर वो एक तकलीफ अलहदा, वो मेरे पेरेंट्स की इन्वेस्टमेंट और वो जो सेविंग्स उनकी होती है माँ बाप की, वो अपने सारे 1-3 बच्चों पे लगाने की बजाय 1 बच्चे पे लग जाती है, वो अलहदा। फिर उसके साथ साथ ये कि फिर किसी ने बताया कि फलां जगह कोई दम करता है, कोई उधर चलता है, ये करना, जहाँ पे उनको उम्मीद नजर आती थी कोई जगह उन्होंने ऐसी छोड़ी जहाँ पर लेके गए। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, इसलिए इन सारी चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को, आने वाली नस्लों को इस चीज़ों से बचाएं, उनको प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाएं। सिर्फ कुछ कतरे हैं जी, और दूसरी बात है कि वो वॉलंटियर्स घर घर जा रहे हैं, कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है जी। तो उसमें तो कोई बड़ा मसला है ही ना, कुछ आपको पैसे देने हैं ना, कहीं बच्चे को ले के जाना है। आपके घर पर जो रजाकार आएंगे वो आपने फैसला, क्योंकि कहते ना कि फैसला आज करना है, अगर कल बच्चे ने चलना है, चंद कतरे पिला दें, सारी उम्र दुआएं लेंगे जी। आप बता रहे थे कुछ अब। तो ये सारा इसमें है कि प्रॉपर, जिस तरह आपने भी फरमाया कि प्रॉपर वैक्सीनेशन होने चाहिए, क्योंकि देखिए जब एक दफ़ा डिसेबिलिटी हो जाती है, जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि बहुत सारे बैरियर्स हैं, बहुत सारे चैलेंजेस की वजह से हम सोसाइटी से कट कर रह जाते हैं, हम सोसाइटी में इंक्लूड नहीं हो पाते हैं, एक्सक्लूड हो जाते हैं। हम हमारे पेरेंट्स के लिए, जब हम छोटे होते हैं तो हमें पेरेंट्स बड़ी मुश्किल से उठा के किसी ना किसी तरीके से ले जाते हैं, शुरू में नहीं पता होता, एक्सेप्टेंस ना होने की वजह से व्हीलचेयर्स भी नहीं कबूल करते ना कि मेरा बच्चा व्हीलचेयर पे बैठेगा। हाँ, आपको भी बड़ी काउंसलिंग की जरूरत होती है, वो बड़े ट्रॉमा से गुजरते हैं, वो बड़े उस चीज से गुजरते हैं ना, तो फिर वो फैमिली फंक्शंस में नहीं जा पाते। जाहिर बात है, एक माँ के लिए अपनी जवान बेटी को या बेटे को उठा कर लेके जाना या फादर के लिए बड़ा मुश्किल होता है। आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो एक्सेसिबल नहीं है, वो सहूलतें नहीं है, फिर एजुकेशन से हम महरूम रह जाते हैं। अब आप देखें कि हमारे गवर्नमेंट लेवल पर बहुत सारे स्पेशल इंस्टीट्यूशंस हैं स्पेशल एजुकेशन के, हर शहर में मौजूद हैं, लेकिन उनका जो पिक एंड ड्रॉप की जो सहूलत है वो एक खास सर्कल में है ना, उससे बाहर के जो बच्चे हैं वो तो वहाँ पे इनरोल नहीं हो पाते, नहीं हो सकते। यही वजह है कि एजुकेशन से 24 घंटे को अटेंडेंट चाहिए होता है साथ, और एजुकेशन नहीं हो पाती तो फिर हमें रोजगार भी नहीं मिल पाता, हम एम्प्लॉयमेंट जैसी अपॉर्चुनिटी से महरूम रह जाते हैं। तो ये वाले वो चैलेंजेस हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें इन चीज़ों को करना चाहिए, दोनों तरफ ध्यान देना चाहिए, प्रिवेंशन के ऊपर भी और फिर उसके बाद डिसेबिलिटी के साथ लाइफ को कैसे मैनेज करना है सोसाइटी में डिग्निटी के साथ। बिल्कुल सही। तो क्या वजह से हमारे मुल्क से खत्म नहीं हो रही मुसीबत के?
अब उसकी वजह ये है कि वो तो अब ज़्यादा तो कोई मेडिकल प्रोफेशनल ही बता सकते हैं, लेकिन जो मुझे लगता है कि दूर दराज इलाकों में जहाँ पे एजुकेशन इतनी नहीं है, इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो लोग, ज़ाहरी बात है हर माँ बाप अपने बच्चे से प्यार करते हैं, तो वो एक माइंडसेट बना हुआ है कि इसको पिलाएंगे तो शायद ये हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा, और बहुत सारी इस तरह की बातें बनी हुई हैं, तो जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं जी। बहुत सारे लोगों की एक्सेस नहीं हो पाती है, तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि कम नहीं हो पा रहा। फिर उसकी और बहुत सारी रीजंस हैं, ये तो पोलियो की एक रीज़न है ना, पोलियो की एक रीज़न है, और बहुत सारी रीजंस हैं जिसपे मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट भी इस पर बात करें, डिसेबिलिटी इंक्रीज होने की। आपको पता है पाकिस्तान में अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 15% पॉपुलेशन विद डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं, ऑल डिसेबिलिटीज, फिजिकल, हियरिंग और विजुअली इंपेयर्ड, चार तरह इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अभी जो गवर्नमेंट का अपना एक सर्वे हुआ है PSLM, एक उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल का सर्वे है, उसके मुताबिक भी उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है PBS की, कोई 14.7% डिसेबिलिटी। तो अब ये डिसेबिलिटी विजिबल नहीं है, नज़र नहीं आते ना हमें आसपास के, अपनी सराउंडिंग में लोगों की तरह काम करते हुए स्कूल जाते हुए कुछ लोग नज़र आते हैं, वो बैगिंग करते हुए, उन्होंने एक अलहदा से वो एक करियर बना लिया, एक इमेज खराब किया हुआ है, जो लोग अच्छे हैं डिग्निटी के साथ लाइफ गुजार रहे हैं। तो उसमें यह है कि वो 15% पॉपुलेशन स्टिल लिविंग इन आइसोलेशन, घरों में बैठे हुए हैं, पेरेंट्स के पास वसाइल नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, कहाँ लेके जाएं, 10-10 साल 15-15 साल बेचारे इलाज करवा के अपनी जमा पूंजी लगा। लास्ट टाइम आपकी बात में काफी कैंपेन जब हुई थी ये पोलियो के अगेंस्ट, तो एक आए थे जो कि रूरल एरियाज में काफी काम करे थे, उन्होंने बताया कि एक बच्ची थी जिसने 25 साल के बाद फर्स्ट टाइम आसमान देखा था, ऐसे क्वेटा की बलोचिस्तान की बात वो कर, कि उसको सहन तक कोई नहीं लेकर आता था कि कौन उठा के लेकर आए, हैवी बिल्ट हो गई, सारी बातें, कोई मूवमेंट कोई नहीं थी, तो पहली दफ़ा उसको सहन में 25 साल की उम्र में लेकर आए थे। आप अंदाज़ा कर लें कि उसकी ज़िंदगी क्या होगी, कितना मुश्किल होगा। ऐसा ही है, और हमारे यहाँ तो देखें ना कि आप खुद एक खातून है, आप समझ सकती हैं, हमारे यहाँ कुछ कल्चरल बैरियर्स भी हैं, बहुत एक खातून होना, खातून के साथ डिसेबिलिटी होना, वुमन विद डिसेबिलिटी, डबल डिस्क्रिमिनेशन, तो खवातीन तो बेचारी विद इन द फैमिली ये सब चीज़ें फेस कर रही होते हैं। तो डिसेबिलिटी, पोलियो तो है ही है जिस पे हम आज बात भी कर रहे हैं, लेकिन पोलियो के साथ साथ एक बड़ी वजह रोड एक्सीडेंट की वजह से डिसेबिलिटी इनके डिजास्टर इज अ वन बिगेस्ट रीज़न। फिर आपकी जो मेडिकल साइंस के मुताबिक कज़न मैरिजेस, जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक डिसेबिलिटी है, और इस्लामाबाद में हर दूसरे घर में, तीसरे घर में आप चले जाएँ जहाँ पे आपको एक से ज्यादा दो दो तीन तीन बच्चों में ये डिसेबिलिटी नजर आएगी। जाके बात काट रही कॉलर है जी, प्लीज कॉलर को प्रोग्राम में शामिल कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हेलो, डिस्कनेक्ट हो गया। 0514102251 हमारा नंबर है, इस पे कॉल करके आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। अगर आपके घर में खुदा ना खास्ता ऐसे बच्चे हैं जो कि पोलियो से सफर कर रहे हैं, तो आसिम साहब यहाँ मौजूद है, वो आपको गाइड करेंगे। इसके अलावा अगर नहीं है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें, तो आज से लेके एक हफ्ते तक 8 तारीख तक गालबन आपके पास पोलियो के रजाकार आएंगे, जो कि आपके बच्चों को चंद कतरे पिलाएंगे, पिंक कलर के कतरे होते हैं, बच्चों को आप पहले से मेंटली प्रिपेयर करते ताकि वो रोना धोना ना करें, लेकिन आपने उनको ज़रूर ये कतरे पिलाने हैं। कोई ख़र्चा नहीं है, कहीं लेके नहीं जाना, हुकूमत की तरफ से आपके पास वॉलंटियर्स आ रहे हैं, थोड़ी सी हिम्मत करें, ना सिर्फ अपने बच्चों को पिलाएं बल्कि आसपास भी माओं को, वालदैन को, उनको अवेयरनेस दें, उनको समझाएं कि ये कतरे पिलाना कितना ज़रूरी है। माँ बाप ने कब तक सर पे सलामत रहना है, कब तक संभालेंगे, और माँ बाप ही होते जो कि संभालते हैं, खुदा ना खास्ता वो ना रहे तो बहन भाई और रिश्तेदार आगे बढ़ के इन बच्चों को जो कि खुदा ना खास्ता पोलियो से इफ़ेक्ट कर जाएँ, वो उनको कोई संभालने वाला नहीं होता। तो एक अच्छा शहरी बनाने के लिए ज़रूरी है कि उनको ये पोलियो के कतरे जो है वो लाजमी पिलाए जाएँ। अच्छा साहब, आप कंटिन्यू कीजिएगा, आप बात में करें। ये बता रहा था कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है डॉक्टर्स के मुताबिक, कज़न मैरिज की वजह से। उस डिसेबिलिटी में तो बहुत सीवियर डिसेबिलिटी है, पोलियो में तो फिर भी कुछ ना कुछ आपकी मोबिलिटी होती है, उसमें तो मोबिलिटी नहीं होती है। तो इसी तरह पोलियो में जो डिसेबिलिटी थी, उन पेरेंट्स के लिए बहुत सारे परेशान होते हैं कि क्या करें। देखें, एक अल्लाह ताला की तरफ से एक डिसेबिलिटी हो गई ना, उसमें कुछ हमारी ना हली भी थी, हमने
टाइमली उसको वैक्सीनेशन नहीं दी, जानने बूझने के बावजूद उसको वैक्सीनेशन नहीं दी, कुछ मारी नहली थी, कुछ अल्लाह ताला की तरफ से हो गया, उसमें भी अल्लाह की बेहतरी है। अब एक दफ़ा डिसेबिलिटी हो गई है, ठीक है, आप इलाज करवाएं, आप फिजियोथेरेपी करवाएं, आप उसकी सर्जरी करवाएं, आप उसको ब्रेसेस यूज़ करवाते हैं, क्रचेज यूज़ करवाते हैं, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें नहीं कारामद साबित हो रही, तो फिर आप अपने बच्चे की नीड्स पे फोकस करें कि अब इसकी ज़रूरियात क्या है, तो आप उसके ऊपर उसके पास रिकॉर्ड ले लें जी, प्रोग्राम में जी, बात को आगे बढ़ाते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम जी। जी कौन बात कर रही, कहाँ से, वेलकम जी। थैंक यू वेरी मच, मैं प्रोफेसर सलमा खान बात कर रही हूँ इस्लामाबाद। सलमा जी अच्छा, कैसी हैं आप, खैरियत से ठीक हैं? जी अल्लाह ताला का फजल है। बहुत बहुत सलाम आसिम जफर साहब को और तमाम देखने सुनने वालों को। जरूर जी जरूर, क्या कहना चाहेंगी? कहना ये चाहूंगी कि डिसेबिलिटी को जिस पॉजिटिविटी के साथ आसिम जफर साहब डिलीवर करते हैं, मेरा ख्याल है, मैंने तो जिंदगी में ये पहले ही शख्स ऐसा देखा है, मैं क्योंकि इनको बहुत करीब से जानती हूँ और बहुत सारे इनके प्रोग्राम्स, सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस हमने अटेंड की हैं इस हवाले से, जिसमें ये अवेयरनेस देते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज को, किस तरह से ये मोटिवेट करते हैं, वो हमारे लिए भी बड़ा मोटिवेशनल होता है और हम बहुत कुछ सीखते हैं, ताकि अगर हमें किसी जगह पर कोई डिसेबल पर्सन नजर आए तो हमने उसको कैसे मोटिवेट करना है, ये हमें भी सिखा रहे होते हैं। एंड हाउ डू यू नो आसिम साहब? जी एंड हाउ डू यू नो हिम, आप कैसे जानती हैं इनको? जी मैं बिल्कुल इनको जानती, मैंने आपको बताया कि बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज में हम बच्चे ही होते हैं, मैं टेलीविजन पे इनका प्रोग्राम देख रही थी और नीचे चूंकि आपका नंबर भी चल रहा था तो मैंने कहा बेटर कि मैं कॉल करूं और मैं पब्लिकली जो है वो इनको अप्रिशिएट। जबरदस्त जी, मैम सलमा जो है वो खुद खुद बहुत बड़ी नातखा है, बहुत सारे चैनल्स पे। अच्छा, अभी कल या परसों ये एयरवे पे बैठी हुई थी जुगन के साथ। अच्छा, तो ये बहुत फेमस, बहुत बड़ी नातखा है और बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है इनका। जबरदस्त, अभी आपकी आपकी क्योंकि टेलीविजन की जो रेगुलर लेवल की ट्रांसमिशन है वो सारी मैंने होस्ट की है। क्या बात है, देखो असल बात तो बताई नहीं है लेकिन बहुत अच्छा किया, बिकॉज आसिम साहब जैसे लोगों को इनकरेज करने की बहुत जरूरत है, इनसे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल ऐसा ही है, ये तो हमें मोटिवेट और इनकरेज कर रहे होते हैं, हम क्या इनको इनकरेज करेंगे। मैं आपको बता रही हूँ बहुत सारी चीजें हम इनसे लर्न करते हैं। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, लेकिन समटाइम्स होता है ना कि जो अप्रिशिएट करो उसको भी थोड़ा सा यू नो पुश करने की जरूरत होती है, कीप ऑन डूइंग दिस। हाँ जी, थैंक यू फॉर द कॉल सलमा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ जी। अच्छा आप सेमिनार्स वगैरह भी कंडक्ट करते हैं? हाँ बहुत सारी एक्टिविटीज, मेरा खुल के बता दीजिए आप क्या कुछ करते हैं। मेरा सारा काम ही एक्चुअली डिसेबिलिटी पे है, मेरी सारी स्टडीज, मेरी डिफरेंट ट्रेनिंग्स, आधी दुनिया ऑलमोस्ट देख ली है मैंने, विजिटेड 45। जापान से आपने बेसिक एजुकेशन लिया? जापान से है, थाईलैंड से है, अमेरिका से, लंदन से, बहुत सारे मुल्कों में एक्सपोयर विजिट, बहुत सारी ट्रेनिंग्स ली है। तो जब वहाँ से वापस आते तो कमी महसूस होती है मुल्क में, ये होना चाहिए था, ये होना होती है, लेकिन हमारा मुल्क है और अपने मुल्क से बहुत प्यार करते हैं और हम ही नहीं ठीक करना है, अगर हम नहीं बताएंगे लोगों को तो कौन बताएगा। मुझे याद है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे ये एजाज भी दिया कि पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल पैरालंपिक्स में पार्टिसिपेट, तो मैंने 3 दफा पार्टिसिपेट एंड आई वॉन 3 गोल्ड मेडल फॉर पाकिस्तान इन व्हीलचेयर। नहीं अभी तो नहीं, फिर आप दोबारा आना है इंशाल्लाह, जरूर दोबारा आना। तो मैं उसमें ये था कि द फर्स्ट टाइम दैट वाज बीजिंग ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स हर 4 साल के बाद होती है, 1994 की बात है, तो मैं व्हीलचेयर पे था, तो मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग थे पाकिस्तान से, तो मेरी जो स्पोर्ट्स थी बेसिकली वो व्हीलचेयर रेस था। अच्छा। तो शुरू में जब आप डिसेबिलिटी के बाद बचपन से आप बहुत सारी चीज़ें चाह कर भी नहीं कर पा रहे होते ना, आपको आसपास से मिलता है ये बेचारा कुछ नहीं कर सकता, ये पढ़कर क्या करेगा, इसको कोई ऐसा काम सिखा दें जो बैठ के करता रहे, स्टिचिंग सिखा दें या कुर्सियाँ बुनना सिखा दें, तब आसपास आपको ऐसी बातें मिलती हैं, तो कभी कभी आपको लगता है, कभी कभी जहन में ऐसी बात आ जाती है कि यार मैं क्या, मैं ही ऐसा क्यों हूँ मेरा। तो मज़े की बात यह है कि जब मैं मार्च वो जो बीजिंग ओलंपिक्स थी, तो आपको पता है मार्च पास होता है स्टेज के सामने से, हाँ जी, तमाम कंट्रीज गुजरते हैं फ्लैग्स के साथ, तो जब पाकिस्तान की बारी आई तो मेरे हाथ में पाकिस्तान का फ्लैग था। उस दिन आई रियलाइज के यार आसिम तुझे अल्लाह ने इस दिन के लिए ऐसा बनाया कि आज तू 22-23 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी कर, झंडा उठा के फिर रहा हूँ। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जब आपको नजर आ जाते हैं, आपको आप रियलाइज कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी आसान हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह
मतलब बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, बहुत कुछ पाकिस्तान के लिए लेजिस्लेशन पे बहुत सारी चीज़ें जो आप बात करते हैं पोलियो की, कमिंग बैक टू द टॉपिक, आप मुख्तलिफ लोगों के पास जाकर सेमिनार्स वगैरह जो आपके होते मुख्तलिफ शहरों में, तो इस हवाले से भी एजुकेट करते हैं लोगों को? बिल्कुल, मैं खुद बहुत अरसा रेडियो भी करता रहा हूँ, ITP के साथ मैंने बहुत सारा काम किया है, पोलियो कम्पेन लॉन्च की उनके साथ, बहुत मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ, गवर्नमेंट की जो इदारे हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, उनके साथ मिलकर तो हम पोलियो पे कैंपेन करते रहते हैं, कोशिश करते हैं कि जो हमने तकलीफ सह ली है वो आने वाली जनरेशन ना, बच्चे ना सह सके। बिल्कुल सही। एक और कॉलर को जो प्रोग्राम में शामिल करें, आसिम जफर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। हेलो, टीवी आहिस्ता कर दे बहन जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन भाई बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं उमर बात कर रहा हूँ, इस्लामाबाद से, और चटा लगता से मरीगाम से। जी जी, क्या कहना चाहेंगे भाई? टीवी आहिस्ता कर दें, आपकी आवाज मुझे दो दफा आ रही है। अच्छा जी, आप पोलियो के हवाले से बात कर रहे हैं? जी जी जी, आप बात बंद कर दी है। अच्छा बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा ये पूछना था कि ये पोलियो बच्चों को कब पिलाने चाहिए? अभी भाई मुहिम का आगाज हो चुका है, एक हफ्ते तक ये कैंपेन चलेगी, आपके घर में वॉलंटियर्स आएंगे, 1 से 5 साल तक के बच्चों को आपने कतरे पिलाने, ठीक है? अच्छा 1 साल से 5 साल तक के बच्चों को पिलाने हैं? हाँ जी, बच्चे बच्चियों को 1 से 5 साल तक के आपके घर में बच्चे अगर हैं, हमसाए में हैं, फैमिली में हैं, तो उन्हें आपने कतरे पिलाने, रजाकार आपके घर तक आएंगे खुद। अच्छा, और ये कब तक, कितने कितने टाइम बाद पिलाने हैं? सरकारी सतह पे जी ये साल में आई थिंक 2 दफा कैंपेन होती है। अच्छा, वो आप तक उनके घर तक खुद पहुंच जाएंगे, बकायदा घर के बाहर निशान लगा के जाते हैं। अच्छा, वो घर तक खुद आएंगे? जी वो घर तक खुद आएंगे? हाँ जी, घर तक खुद आएंगे। अच्छा, और साल में 2 दफा पिलाने हैं? आपके घर में कितने बच्चे हैं? एक ही बच्ची है, वो तकरीबन 9-10 माह की है। बस आपने भाई इसको लाजमी पोलियो के कतरे पिलाने, आज कल में आपके घर आएंगे रजाकार, ठीक है? अच्छा, ये कब तक आ जाएंगे, क्योंकि वो 10 भाई मैंने तो नहीं। थैंक यू सो मच कॉल करने का आसिम साहब, डिटेल बताते हैं आपको, ठीक है? लोगों को भी बहुत अवेयर करने की जरूरत है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। आई डोंट नो ये कहां रह रहे थे इतनी देर से। असल में बस वही है ना कि थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी है हमारे यहाँ। हम मतलब कोशिश तो बड़ी की जा रही है अखबारात में, रेडियो टेलीविजन पे। हाँ, लेकिन वो माँ बाप बेचारे, देखें अवेयरनेस तो है लेकिन माँ बाप बेचारे अपने बच्चों की जरूरियात पूरा करने के चक्रों में पीछे पीछे भाग रहे हैं, उनकी उनकी जरूरियात, उनकी तालीम, उनका इलाज, मुआलजे पे लगे रहते हैं। इतने परेशान हाल है माँ बाप बेचारे के, इन चीजों से पीछे रह जाते हैं। अल्लाह करे कि जिनके घर तक आप डेफिनेटली आएंगे तो आप भाई आपके पास, और अगर ना भी आएं तो आपके करीब करीब क्लिनिक्स वगैरह होते हैं जहाँ पे इन्होंने जिक्र किया है, वहाँ पे इनके पास NIH है, बिल्कुल बिल्कुल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, वहाँ पे वैक्सीनेशन होती है, आप बच्चों को लेके जाएं, आमतौर पर वहीं पे जाते हैं बच्चों को। अगर आपके घर रजाकार ना आए, जो लोग भी देख रहे हैं, जैसे आसिम साहब ने कहा घर के पास कोई ऐसा अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है या डिस्पेंसरीज बनी होती है, तो वहाँ पे जाके आप कतरे जरूर पिलाएं। और ये जो कैंपेन, जो मुहिम चलती है, ये सरकारी सतह पे चलती है, अखबारात में, टेलीविजन, रेडियो पे बताया जाता है। तो मजीद अब मुझे लगता है बहुत अवेयरनेस की जरूरत है, रीइन्फोर्स करने की जरूरत है बार बार इस बात की। और इसमें मीडिया का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। हाँ जी हाँ हाँ। तो मीडिया जो है वो बहुत सारे चैनल्स इस पर बात भी कर रहे हैं, हर साल बहुत सारी चैनल्स इस पर लोगों को इन्वाइट भी करते हैं बहुत सारी, तो ये लोगों को भी थोड़ा सा इस पे अब फोकस करना चाहिए, इस पे बात करनी चाहिए। अभी तक आपको चैलेंजेस सामने होते हैं डेली लाइफ में या यू हैव ओवरकम ऑल दैट? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो आदत हो गई है, अब नहीं ऐसा फील होता। मैं खुद ही ट्रैवल करता हूँ, मैं ऑल द कंट्री, पूरे पाकिस्तान में, सिंध में जाता हूँ, इधर अभी लास्ट मंथ जुलाई में आई वॉज इन स्कर्दू, गिलगित बल्तिस्तान, और वो आपका खुजराब पास तक मैं खुद ड्राइव करके गया हूँ। अच्छा, तो मैं भी नहीं जा सकती। तो गिलगित पूरा मैंने स्कर्दू पूरा मैंने खुद अपनी ड्राइव अपनी फैमिली के साथ खुद उनको लेके गया हूँ। तो कुछ ऐसा, हाँ कहीं पे ऐसा आता है, देखें मैं आपकी ये बिल्डिंग में खुद ड्राइव करके पहुँच गया ना, ठीक, इंडिपेंडेंटली, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक हो गया, ठीक है।
तो यहाँ पे बहुत सारी जगह पे ऑब्वियसली अवेयरनेस नहीं है हमारे यहाँ भी, यूनिवर्सल डिजाइन नहीं है, एक्सेसिबिलिटी हर जगह इंश्योर, रैंप्स वगैरह, तो बहुत सारी जगह पे मुझे मैं डिसेबल्ड हो गया आपकी स्टेट्स की वजह से, तो फिर लोगों से हेल्प लेनी पड़ती है। लेकिन उसमें भी कोई बुराई नहीं है हेल्प लेने में, हर एक इंसान, मुझे तो ये लगता है बल्कि 100% ऐसा है कि हर इंसान डिपेंडेंट है, बिल्कुल कहीं हम दूसरों की हेल्प ले रहे होते हैं ना, मिसाल के तौर पर आप भी बहुत सारे काम खुद से नहीं कर सकती हैं, बहुत सारे नहीं कर सकती, ठीक है, आपको कपड़े सिलवाने के लिए टेलर के पास जाना पड़ता है, जूते के लिए आपको मोची के पास जाना पड़ता है, आपको पॉलर जाना पड़ता है, बहुत सारे कामों के लिए हम डिपेंडेंट होते हैं, बहुत सारे कामों में डिसेबल होते हैं, इट्स अ डिफरेंट लाइफस्टाइल। जो तमाम लोग देख रहे हैं, आप इन तमाम तजुर्बात से गुजरे, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे बिफोर वी रैप अप एंड से थैंक यू टू यू? मेरा मैसेज सिर्फ ये है कि सबसे पहले तो ये है कि आप अपने बच्चों को, मतलब 5 साल की उम्र तक, जिस तरह आपने भी बताया, हम बार बार बता रहे हैं, चैनल्स पे भी बता रहे हैं, कि अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं, पोलियो वैक्सीनेशन लाजमी करवाएं, और उसके बाद ये है कि आप अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह की तरफ से किसी वजह से डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसको एक्सेप्ट करें, उस पर डिसहार्ट होने या परेशान ना हो, अपने बच्चे की नीड्स को आइडेंटिफाई करें कि उसकी ज़रूरियात क्या है, उसकी व्हीलचेयर कैसी होनी चाहिए, उसको वॉशरूम कैसा होना चाहिए, ट्राई टू मेक दैम इंडिपेंडेंट, ताकि वो भी आम लोगों की तरह सोसाइटी में डिग्निटी के साथ पार्टिसिपेट कर सकें। बिल्कुल सही। और जो लोग डिसेबिलिटी के साथ हो चुके हैं, मेरी तरह के लोग हैं, उनके लिए पैगाम है कि भाई घर से बाहर निकलें, भाइयों और बहनों घर से बाहर निकलो, और मत इंतज़ार करें कोई आएगा कि आपकी मदद करेगा या आपकी ज़िंदगी को खुशहाल बना देगा, आपको जो कुछ करना है खुद करना है, घर से बाहर निकलें, अपनी प्रॉब्लम्स को बताएं, अपने आप को एक्सेप्ट करें, और अगर आपसे रابطہ करना हो सोशल मीडिया पे, बिल्कुल बिल्कुल सोशल मीडिया पे मेरा आसिम जफर के नाम से मौजूद है, तो मुझसे आप رابطہ कर सकते हैं, कहीं पे भी मैं किसी के काम आ सकता हूं तो हाजिर हूं इंशाल्लाह। वंडरफुल जी, आसिम साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, लवली हैविंग यू, अल्लाह मैं आपको, आपके लिए और आसानियां लेकर आए, आपको वसीला बनाता रहे, ऐसे पॉजिटिव रहें आप, जज़ाकअल्लाह। तो आपने करना क्या है आसिम साहब, ने जो भी बातें बताई हैं वो आपने सुनी होंगी, 8 तारीख तक आपके घर में रजाकार आएंगे पोलियो के कतरे पिलाने के लिए आपके 1 से 5 साल तक के बच्चों को, अगर ना आ सके तो घर के पास मौजूद डिस्पेंसरी अस्पताल में जाके आप भी कतरे लाजमी पिलाएं। यहाँ लेना है छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं, आप देख रहे हैं के2 शहर। जी जनाब, वेलकम बैक टू के2 शहर, मैं हूँ रिदा इमरान, और अभी हम लोग मेहमानों से ये बात कर रहे थे, बिल्कुल एकदम से ना माहौल चेंज हो गया, और अब कुछ मज़ेदार से मेहमानों से आपको मिलाना है, पहले भी बहुत मज़ा आ रहा था लेकिन वो इस तरह सीरियस टॉपिक था, और मैं मैक्सिमम 3.5 मिनट तक सीरियस रह सकती हूँ, उसके बाद मेरे लिए बड़ा मुश्किल है ना। आज के तो इतने इंटरेस्टिंग मेहमान हैं और इतनी मज़ेदार बातें होनी ना आपसे कि आप लोग ना प्रोग्राम याद रखेंगे, हम छुपे हुए जो नगीने हैं ना वो निकाल निकाल के लेकर आते हैं, और इतने छुपे हुए भी नहीं है, आप उनको जानते हैं कहीं ना कहीं से, लेकिन इतनी बाहिम्मत और बासलाहियत खवातीन आज मेरे साथ मौजूद हैं कि आज तो जिसे कहते हैं ना मेरा दिन बहुत ही अच्छा गुजरेगा। तो वेलकम करते हैं जी, मेरे साथ बैठी हैं, जो कह रही मुझे शेफ़ मत कहना, सेल्फ टॉट हूँ मैं, मेरा जो अच्छी बात है, खाने बड़े अच्छे बनाती हैं, एंटरप्रेन्योर भी है, लेट्स वेलकम ईमन ज़ुबैरी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है रिदा आपका? शेफ़ ना कहूँ तो क्या कहूँ पहले ये बताओ? सेल्फ टॉट, सेल्फ लर्न्ड। What? Self-learned? Self-learned chef. Chef, but chef, of course, huh? As its degree नहीं है, professional तो। और मीमीज? Mimi's Kitchenette is my business. ठीक है। Mimi जो है वो मेरा घर का नाम है, तो उस पे I started off with it. आज घर के नाम ही चलेंगे। मुझे आपने Dolly बोलना है। ठीक है। ठीक है। और इनके साथ बैठी है बहुत प्यारी सी, इनकी ना मैंने एक वीडियो देखी, इतना मैं रोई हूँ ऊपर से, जो गाना डाल दिया था ना, हालांकि मेरी बेटी की भी शादी नहीं हुई है, मैं लगातार रुख्सत कर दिया मैंने उसको, मैं रो रही हूँ, बिल्ली को देख के रोना आ रहा, खाने का दिल ना करे मेरा, लेकिन शी इज़ सो टैलेंटेड, शी इज़ सो ग्रेसफुल, और आज बहुत मज़ा आने वाला है, बड़े मज़े के खाने भी बनाएंगी ये। नाम है जी इनका ज़िल्ले हुमा रानी, वेलकम करते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? बिल्कुल आप एक्चुअली भी रानी लगती हैं, आपके बैठने का अंदाज सब कुछ। हाँ अच्छा, एंड योर निकनेम? थैंक यू, मेरा निकनेम है रानी और ज़िले हुमा मेरा नाम है असली, और निकनेम मेरा मेरे डैडी ने रखा था, सो स्वीट, और सो बस स्वीट। यही है, डैडी की वैसे भी रानी ही जी, और ज़िले हुमा भी मेरे डैडी ने ही रखा था मेरा। अच्छा, नाम क्योंकि वो नूरजहां मलका तरन्नुम नूरजहां की बेटी ज़िले हुमा, तो उनकी फेवरेट थी वो, वहाँ बेटियाँ दोनों, तो उसके नाम पर। गाने का भी शौक है आपको? गाने का शादियों पे गाते थे, आप तो मेरे बैंड का हिस्सा है, फिर मैं भी शादियों पे गाने गाती थी, शादियों पे बहुत गाया हुआ है, भाइयों की शादियों पे बड़ा मजा आता है, बहुत मजा। अभी हम वही बात कर रहे थे, मायरा खान सब जानते हैं जी, उनकी शादी कल हुई है, वो इतनी परफेक्ट थी कि मजा नहीं आ रहा था, मतलब ना बच्चे भाग रहे ना देख, गुड टू बी ट्रू वाली फीलिंग आ रही थी। हां, बट फाइनली शी टाइड द नॉट यस्टरडे, और करीम, क्या नाम है, रहीम, सलीम, 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 सलीम करीम नाम है उनका, उनके साथ उनकी शादी होगी,
देखिए आप लोगों की तस्वीरें देखिए, बट इट्स वेरी फैब्रिकेटेड वाली लुक. हम एक ट्रेडिशनल ब्राइड को ज्यादा प्रमोट करते हैं, नो दैट रेड लहंगा और मेहंदी एंड ऑल ऑफ दैट. वो मिसिंग हो ना तो कुछ इनकम्प्लीट सा लगता है शादी. हाँ, बच्चे भाग रहे हो लहंगे पे चढ़े हुए, दो तीन वो एक यू नो ग्रुप ऑफ आंटियां बैठी हुई है, यू आर ग्रीटिंग पीपल, यू आर मीटिंग पीपल, वो बहुत फैब्रिकेटेड था. यू वॉकिंग डाउन एन आइल, तो वो कुछ इंडियन और वेस्टर्न टच भी था, लेकिन लग बहुत प्यारी रही थी भाई, लग बहुत प्यारी रही थी, सो परफेक्ट. और फाइनली हमारी जो किसे कहते ना कि पाकिस्तान की पसंदीदा तरीन एक्ट्रेस हैं, टॉप सुपर स्टार, उनकी शादी होगी. विश हर ऑल द लक कि वो इसी तरह. हमारी तो बड़ी फेवरेट है, बहुत मेरी तो बड़ी फेवरेट है. वो इंटरनेशनली भी बहुत काम किया है उन्होंने, और बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने फाइनली जिंदगी को है ना एक नया चैप्टर शुरू किया. बिल्कुल. एक और की खवातीन की बात हो रही है तो एक और तस्वीर दिखाना चाहूंगी मैं आपको. नमीरा सलीम पाकिस्तान की पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट है, जो कि जा रही है 5 अक्टूबर को स्पेस टूरिज्म में पहले कदम रखा है उन्होंने, और ये सफर का आगाज करेंगी अटलांटा अमेरिका से, और फिर वापस आके बताएंगे चांद पे उन्होंने क्या देखा. क्या पता वहाँ भी पानी गैस ना हो तो क्या करेंगे, है ना. क्या पता वापस ही आ जाए, मैं हम इधर ही ठीक हूँ मैं, बट शी लिव्स इन कराची एंड गोइंग टू, आई मीन दिस इज अ प्राउड मोमेंट फॉर अस. हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि एक पाकिस्तानी खातून जो है वो हमारे मुल्क की नुमाइंदगी कर रही हैं, और जो कमर्शियल स्पेस ट्रैवलिंग है उसका ये पहला पैसेंजर होंगे हमारी तरफ से, ट्रैवल करेंगी पाकिस्तान की तरफ से. तो जहाँ से मैं आती हूँ वो भी किसी स्पेस ट्रैवल से कम नहीं है. इतने झटके लगते हैं कि आप लगता है चांद वाली फीलिंग आ रही होती है. हा हा हा. एनीवेज जी, कमिंग बैक टू आवर गेस्ट. हाँ जी रानी, ये बताएं जी कि खाने पकाने का शौक घर से हुआ या कमर्शियली करने का शौक था, या घर वालों खिलाती थी? घर से हुआ था अभी अभी कुछ अर्सा पहले ना, और मुझे ज़्यादातर डेकोर, टेबल डेकोर, डाइनिंग टेबल सेटिंग और स्नैक्स बनाने, ये मुझे ज़्यादा मेरे फेवरेट थे ना. आपने कहीं से? नहीं, मैंने कहीं से नहीं सीखा. मैंने 6th-7th class स्कूल में होम इकोनॉमिक्स, फिर जाके जी, फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में होम इकोनॉमिक्स कॉलेज में, फिर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में नहीं, बस यही. और फिर साथ साथ देखे ना, लाइफ में इंसान सीखता रहता है ना. और जब इंसान का घर हो, बच्चे हों, तो बच्चों के लिए, अपने गेस्ट के लिए इंसान कहता है बनाता रहूँ देख देख के, सीख सीख के. अपनी नहीं मैं थकती नहीं हूँ बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह. और मेरे घर में जब मेरी शादी जब हुई ना, तो मैं कुकिंग नहीं करती थी ना. मेरी जल्दी शादी, कॉलेज में पढ़ रही थी, फोर्थ ईयर का एग्जाम दिया, वो शादी हो गई. लेकिन ये कि अम्मी को देखती थी ना, अम्मी मेरी बड़ी अच्छी कुक थी माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत माशाल्लाह. हाँ. उन्होंने बड़ी अच्छी कुकिंग. फिर शादी के बाद मेरे नंद, मेरी मेरे बच्चों की फूफो थी, मेरी जेठानी थी, वो कुकिंग करती थी, उनको देखती थी. तालुक आपका किस शहर से है? पेशावर से. पेशावर से. खाना भी कुछ ऐसे ही बना रही हूँ जी. पेशावर से है मेरा ताल्लुक, और मेरी नन बहुत अच्छी कुक थी. अच्छा. मेरी जेठानी अभी भी हैं, बहुत अच्छी कुक हैं, उनसे सीखती थी. फिर क्या करती थी, फिर कभी कुछ गलत हो जाता, अम्मी को कॉल कर दी. अम्मी को कॉल कर दी, अम्मी ये हो गया, गोभी में मैंने बहुत ज्यादा पानी डाल दिया, वो तो पानी सूख ही नहीं रहा भाई, अब क्या बनेगा. कोफ्ते बनाकर आंच को आहिस्ता कर दिया. मेरी जेठानी उठी, कहती है ये तुमने क्या कि इतना पानी भर के आंच को आहिस्ता कर दिया तो टूट जाएंगे. अरे मुझे कुछ पता नहीं था. भिंडियों में पानी डाल दिया. और फिर आहिस्ता आहिस्ता देखें, फिर करते करते फिर शौक बढ़ता गया. फिर मसाला चैनल देखा, फिर उसके साथ फिर शेफ राहत को, शीरी आपा को देखा, तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी ना. अभी मेरा यूट्यूब चैनल है और इंस्टाग्राम है मेरा. क्या, किस नाम से? रानीस किचन है. रानीस किचन. और यूट्यूब यूट्यूब है रानी सीक्रेट रेसिपी. सीक्रेट रेसिपी जो अब सीक्रेट नहीं रही है. नहीं, अभी वो सीक्रेट नहीं रही. आज आप क्या बनाएंगे? आज मैं बनाऊंगी पेशावर की एक बहुत फेमस हमारी एक डिश है, केपीके की मटन पेशावरी कढ़ाई, जिसको हम सॉल्टिश कढ़ाई भी कह सकते हैं, नमकीन कढ़ाई और शिनवारी कढ़ाई भी कह सकते हैं. और ये बहुत इजी है, लेकिन खाने में बहुत ही लज्जत मुझे लग रहा है. अच्छा, जिस तरह से आपका जो अटायर है ना, और जिस तरह आपने प्रेजेंट करी, लग रहा है कि आप ये वेरी कॉन्शियस के खाना अच्छा हो, प्रेजेंटेशन अच्छी हो, खुद भी माशाल्लाह ग्रेसफुल हैं. थैंक यू. और आपको मैं पहले किचन में छोड़ूं? छोड़ें, आगाज करते. आइए बिल्कुल, आ जाए आ जाए. थोड़ा सा मुझे सीखने को मिल रहा है. हां बिल्कुल. आई जी, आई जी, दिस इज योर. सीखना चाहिए हर एज में. काउंटर, ये मेरा काउंटर है. जाना नहीं, निकल जाना. ये पैन हमने रख दिया. ठीक है जी. और आपको मैं ये बताना चाहूंगी
जो देखने वाले जो बच्चियां हैं जो सीखने वाली हैं उनको मैं ये बताना चाहूँगी कि आपने अगर कुकर यूज़ नहीं करना तो बेस्ट है, लोग कुकर यूज़ करते हैं। ठीक, मैं कुकर यूज़ नहीं करती और मैं लो हीट पे हर चीज़ बनाती हूँ। ठीक हो गया जी, ठीक है ना। अच्छा, आज हमने बनाना है मटन कढ़ाई। ठीक है, मटन कढ़ाई के लिए हमने ये लिया है मटन, ये मटन है। इसको मैंने थोड़ा सा बॉयल इसलिए किया है कि यहाँ टाइम की कमी होगी। बकरी का गोश्त है या लैम? ये लैम है। लैम, ये लैम है। ठीक हो गया। अच्छा, लैम के लिए हम जो यूज़ करते हैं फैट्स यूज़ करते हैं, आपको नज़र आ रही होगी फैट्स जी। फैट्स यूज़ करते हैं और पेशावर में केपीके में फैट्स में बनता है ना। हाँ जी, और जी, जल्दी बन जाता है वहाँ का वो जो वो आबो हवा है ना, उसमें जो लैम होता है ना या कोई भी बीफ बीफ हो मीट हो वो जल्दी नरम हो जाता है। ठीक है, अच्छा ठीक हो गया। हाँ, कितना लिया, कितना किलो लिया? ये मैंने लिया है 1.5 kg, मुझे लग रहा है 1.5 kg ना। अच्छा, 1.5 kg में हमने ये डालना है, यहाँ तो ये इसके अंदर चला गया, हमने ये ऑयल डालनी है। ठीक है जी, ये ऑयल मुझे बता दें कैसे ऐसे कर ले। मैंने कभी इसको जैसे कहते हैं ना कि तरीके से तमीज से नहीं डाला ऑयल, स्पून है ये वो जी। गुलाब भाई की हेल्प चाहिए होगी हमें। ऑयल कितना डालना मुझे नजर नहीं आ रहा, ये नजर आ रहा, जो आपको चम्मच चाहिए ना आप उठा लें। ठीक है, ये या ऐसे करें ना, अंदाजे से ना। अब एक्सपर्ट एक्सपर्ट ही होता है, आप देखिए ये अंदाजा है ना, खुल रहा मेरे से। हाँ, बस ये अंदाजा है ना, ये आपको नजर आ रहा है, ये मैं अब ऐसे डाल रही हूँ ना कि ये जो स्पून आपको नजर आ रहा है ना, ये हमने चार डालने हैं, पकाने वाले चार चम्मच। अब ये जो है ये थोड़ा सा छोटा स्पून है, तो गोश्त होगा जी, सॉरी वो चर्बी का अपना भी होता है। ये जो फैट्स आपको नजर आ रही है इसमें जी, ये फैट्स है, ये हम पहले डालते हैं, इसको हम इसके साथ ही डाल देते हैं। ठीक है, और इसमें हम बनाते हैं ये मटन, इसमें बनता है ना, ये फैट्स आपको नजर आ रही है जली जली से जी, ये हम इसे बनाते हैं। बाद लोग नहीं पसंद करते, यहाँ पंजाब में ज्यादातर लोग नहीं पसंद करते, लेकिन हम लोग यही बनाते हैं। ठीक है ना, जायका इसी चीज का होता है, इसी का जायका है ना। ठीक है, मेरी शादी पश्तो स्पीकिंग में हुई है ना। अच्छा, शादी के बाद फर्स्ट टाइम उन्होंने बनाया ना ये, मैं घर से बाहर भाग गई। अच्छा, वही ना, ये मुझे ढक्कन दे, इसका ढक्कन दे दे। मैंने कहा कि भाई हां इसके ऊपर रख दूं इसको मैं। हां ठीक हो गया। अब देखें, जो देखने वाले हैं जो सीखने वाले हैं उनको चाहिए ये जब आप डालेंगे ना लो हीट रखेंगे, फिर इसके ऊपर आपने ढक्कन रख देना है। ठीक हो गया। और अपने किचन को अगर आपने गंदा नहीं करना तो आप क्या करेंगे, पीछे आप कोई ऐसी पेंटिंग्स वगैरह रख लें, कुछ रख लें कि छींटे उड़ें तो आपका किचन गंदा ना हो। ठीक है, साथ साथ सफाई बहुत ज़रूरी है। मैं तो सफाई बच्चों को ये सिखाती हूँ कि बच्चे जो बच्चियाँ हैं सीखती हैं वो अपने किचन को साफ रखा करें। मैं उनको अपने फॉयल लगा सकते हैं, फॉयल लगा चूल्हे पर आप फॉयल लगाएं, पीछे आप पेंटिंग्स रख दें ऐसी कि जो मतलब ऐसे कलर की हों जो गंदी ना हो, पसंद ना हो लोगों को, सीधे लगा दें। हाँ बिल्कुल, अब मैं ये इसमें डालूंगी। और चर्बी कितनी रानी डाली आपने इसके अंदर? इसके अंदर चर्बी देखिए अभी तो मेरे पास चार पीसीज है ना। ठीक है, और ज़्यादा भी होती है, मतलब हम ईद के दिन ना फ्रेश होती है बिल्कुल, ईद के दिन या हम बाज़ार से ले आते हैं फ्रेश डालते हैं, वो डाल के आपने कवर करके इसको छोड़ देना है। ठीक है, और वो जो ऑयल निकलता है उसी में फिर हम अपना बटन बना लेते हैं। ठीक है, अभी आप क्या खास मज़े का बनाती हैं? खास मज़े का, सिंस हम हैदराबाद से बिलोंग करते हैं, मेरी अम्मा इज़ फ्रॉम हैदराबाद, तो बिरयानी बनती है कच्चे। अब देखिए ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर, और बघारे क्योंकि मैंने बॉईल किया हुआ है ना, तो इसमें थोड़ा सा ये चीज़ें जो है वो स्पेशलिटी। ज़बरदस्त हो गई, थोड़ा सा इसको मेल्ट होने दिया चर्बी को, उसके बाद उन्होंने गोश्त है अभी मेल्ट होने का, अभी हो रही है ना, हो रही है, बीच में हो जाएगी, टाइम इतना नहीं है ना। ये थोड़ा सा मैंने बॉईल किया था कि टाइम की कमी की वजह से, क्योंकि यहाँ पर गोश्त नरम जल्दी नहीं होता ना। हाँ जी जी, अच्छा फर्क पड़ता है थोड़ा सा, किस जगह के पानी का भी कुछ असर होता नहीं, है कि आप जिस जगह जहाँ पर देखें, जहाँ पर थोड़ा सा पहाड़ी इलाका होगा ना, तो वहाँ पर गोश्त तो जल्दी नहीं नरम होता। अच्छा, मैदानी इलाके में जल्दी हो जाता है, जैसे कि पेशावर में लाहौर में जल्दी हो जाता है ना। अब जितना आप ऊपर जाते जाएंगे ना नॉर्दर्न एरिया की तरफ, नथिया गली मरी में जाएंगे, तो वहाँ पर चिकन ज्यादा खाया जाता है ना। हाँ, आपने देखा वहाँ मटन भी होता है, वो भी सख्त होता है। तो ये मैं चिकन वाला बंदा हूँ, इसलिए खुशबू आनी शुरू होगी इसकी। हम तो मटन वाले बंदे हैं। हाँ जी, तब भी अपनी स्मार्ट है। अच्छा, इनकी एक वीडियो वायरल हुई थी, आई विश कि हम उनकी वीडियो दिखा देते हैं। दिखा दें है ना, अगर दिखा दें आप, बिल्कुल दिखाएंगे जज्बाती सी वीडियो।
मैंने देखी ना, लेकिन मुझे नहीं पता था मुझे ऑनर मिलेगा इनसे मिलेगा। वो मेरी बेटी रहकर आई है, रही थी मेरे पास 10-11 दिन। हम बड़े हमने बहुत इंजॉय किया। अच्छा। क्योंकि मेरी एक बेटी जो है वो बाहर चली गई थी कुछ एक महीना। अच्छा। पहले आई थी। ठीक, ठीक। तो वो बाहर गई है तो उसका भी मुझे बहुत ज्यादा वो था। मेरी ग्रैंड डॉटर है 7 ईयर्स की, मुझे बड़ी याद आ रही थी। हम इस अपनी छोटी बेटी के साथ हम मिलकर बड़ा हमने इंजॉय किया। अब वो जब जाने लगी है तो मैंने कहा वो भी चली गई है, ये भी चली गई है, भाई मैं तो फिर अकेली हो गई हूँ। हालांकि मेरी एक और बेटी मेरे करीब रहती है, नेक्स्ट स्ट्रीट। वो कहती मेरी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि मैं नेक्स्ट स्ट्रीट में रहती हूँ। करीब नहीं होता ना उसकी ज्यादा होती है उसको तो फिर। और हालांकि जो बेटी जा रही थी वो भी कोई 10 मिनट्स की ड्राइव में रहती है, इतनी दूर नहीं रहती। फेवरेटिज्म जी, पटने के आमियाज घर में। और जो जा रही है ना बेटी, जो रह के जा रही थी वो सबसे छोटी। कॉल 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 डांट पड़ी। हाँ जी कॉल है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? टोटली फाइन जी। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मेरा नाम आदिल महमूद है, मैं न्यूयॉर्क से बात कर रहा हूँ। न्यूयॉर्क से कॉल करे आदिल भाई, जाने पहचाने लग रहे हैं। इज माय सन, ये मेरी वालदा बैठी हुई है। आपकी वालदा हमारी होगी, अब क्या कर लेंगे आप। I'm very proud of her and very happy to see her. I just want to call her and सबको सलाम करना चाहता हूँ आपको। सलाम, वालेकुम सलाम। और ये जी मेरी वालदा आपके सामने। कैसी अम्मी है, सी आपकी रानी है? ये मेरी अम्मी जो है ये उस वक्त रानी थी जब मैं दुनिया में नहीं था। हाँ ये तो है। आने के बाद तो मलका बन गई, लेकिन ये रानी तो बहुत पहले से थी। हाँ हाँ हाँ। तो do you miss all the khanas and all the मसाले वगैरह अम्मा के हाथ के? मैं तो 7-8 साल से नहीं गया हुआ हूँ। मैं तो शुरू में मिस करता था, अब तो मैं सीख चुका हूँ। तो मेरी वालदा ने जिस तरीके से सारे सब्सक्राइबर्स को सिखाया है और अपने सारे फॉलोअर्स को सिखाया है, मुझे भी स्काइप पे सिखाया है। एंड आई कैन कुक एवरी डे। और बिल्कुल इनके हाथ का तो मैं नहीं बना सकता, ऑब्वियसली आई कैन टीच हर। दास हो रही है, अम्मी को रुला दिया आदिल। इट्स फाइन, इट्स फाइन। इतना इनका मेकअप करा, इतनी हसीन लग रही है, इतनी गॉर्जियस लग रही है, रुला दिया। रानियों को रुलाते नहीं होते। हाँ, रानी को। अच्छा, what do you have to? अच्छा, रो रही तो नहीं ना? नहीं नहीं, नहीं रो रही। क्या कहेंगे आदिल, क्या बोलेंगे? कान खींचे इसके फोन पे। नहीं नहीं, मेरे बेटे, लव यू। तुम्हारी फेवरेट मटन कढ़ाई बना रही हूँ बेटा, और इंशाल्लाह जल्दी तुम मेरे हाथ की खाओगे। थैंक यू फॉर द कॉल आदिल, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम, जीते रहो, खुश रहो। आदिल ने कॉल की न्यूयॉर्क से, जो कि रानी के बेटे हैं, और रुला दिया हमारी रानी को। लेकिन अब और नमकीन कढ़ाई बनेगी, है ना, नमक बढ़ जाएगा। जज्बात छावल हो गए नमकीन कढ़ाई के अंदर। अच्छा जी, अब देखिए ये मैंने इसको छोड़ा हुआ है। अब हम इसको थोड़ा सा इसकी हीट आहिस्ता करना चाहती हूँ। मैं थोड़ी सी आहिस्ता कर दें हीट इसकी। हाँ, ये बहुत तेज है। हाँ, इसको और भी आहिस्ता। अब हम इसको, अब देखें ये अपने पानी में ये बनेगी। इसको हम रोस्ट कर रहे हैं। नहीं, अभी मैं डालती हूँ पानी, थोड़ा सा डालती हूँ। हाँ, ये थोड़ा सा मैं रोस्ट करके ना इसको देखें फ्राई में कर रही हूँ, और इसमें अब हम पानी डालेंगे कि ये थोड़ा सा और भी नरम हो जाए। क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये रंग इसका चेंज हम करेंगे, और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, फिर हम आखिर में देखें कि क्या डालती हूँ मैं, क्या ऐड करती हूँ। अब पानी मुझे थोड़ा सा फिर चाहिए होगा। पानी जी हम पहुँचाते हैं और थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, फिर हम इमन से बातें करेंगे। बहुत सारी हमारे साथ रहिए। आपको सिखा रही हैं आज रानी नमकीन कढ़ाई, जज्बाती किस्म की, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू K2 शहर। एक तरफ जी हमारी नमकीन कढ़ाई बन रही है, ज़िले हुमा रानी बना रही हैं बड़े मज़ेदार सी कढ़ाई, वो तैयारी चलती रहेगी। साथ साथ उसके एमन बैठी हुई हैं जो ख़ुद भी शेफ हैं, सेल्फ टॉट शेफ हैं, और इसके अलावा काम भी कर रही हैं। और अच्छा लगता है कि खवातीन ना एज देखती हैं ना टाइम देखती हैं, जो पैशन है उसको फॉलो करें, उनको सलाम करने का दिल करता है। एंड अच्छी बात यह है कि उनकी फैमिली उन्हें सपोर्ट कर रही है। रानी की बेटी साथ बैठी हैं, इनके बेटे की कॉल आई और जिनको याद भी करी थी। लेकिन बड़े ब्लेस्ड होते हैं वो लोग जो अच्छी यादों के साथ जो है ना वो ज़िंदगी गुजारते हैं, ये बहुत बड़ा ख़जाना होता है। रानी कहाँ तक पहुँचा आपका खाना? बस जी देखिए, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये गार्लिक पेस्ट, जिसको लहसुन का पेस्ट कहते हैं। ठीक है, ये हमने इसको किया था ग्राइंड। साथ में डाल रही हूँ जिंजर पेस्ट। ठीक है, ये हो गया। अब हम थोड़ा सा इसको भून के और फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ठीक है, ठीक हो गया। इसको थोड़ा सा मैं इसलिए भून रही हूँ कि थोड़ा सा इसका कच्चापन जो है ना खत्म हो जाए। ठीक हो गया, और फिर हम इसमें पानी डालेंगे, थोड़ी सी देर छोड़ देंगे, फिर मैं इसमें और चीज़ें ऐड करूँगी। और चीज़ों के लिए देखें
ये हरी मिर्चें, ठीक, ये मैंने एंड में शामिल करनी है, ये है धनिया, धनिया, और अभी हम नमक भी इसमें शामिल कर देंगे। ठीक हो गया जी, नमक में देखें ये वाली टेबल स्पून लूंगी, क्योंकि गोश्त जो है 1.5 किलो है ना, 1.5 kg है, ठीक है, तो ये इसको मैं ऐसे करके लूंगी, बस ये इतना। और सब जो लोग होते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक यूज़ करते हैं, कोई ज़्यादा खाता है नमक, कोई कम खाता है, तो मैंने ये इसमें ऐड कर लिया, बस ज़्यादा नहीं करेंगे ऐड। ठीक हो गया जी, ये हो गया। खुशबू आ रही, लहसुन अदरक की खुशबू आ रही है, हाँ, कोई फेस मास्क नहीं मिलता लहसुन अदरक का। अब थोड़ा सा मिक्स करके इसको मैंने, लहसुन की है ना, बहुत अच्छी लग रही होती है। रानी अपना काम करती रहेंगी, थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर दूंगी जी, प्लीज प्लीज प्लीज। और इसको फिर अंदाजन एक ग्लास, बस एक ग्लास मैंने ऐड कर लिया। इसको मैं थोड़ी सी देर के लिए छोड़ूंगी, 1-5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, और फिर मैंने इसमें टमाटर काटती हूँ मैं, फिर टमाटर ऐड कर दूँगी। टमाटर डालेंगे, टमाटर कितने, टमाटर देखिए अगर 1.5 kg जो हमारा मटन है ना, लैम मीट हो ये वो जी, तो हमने उसमें 1 kg टमाटर जरूर ऐड करना, टमाटरों का मजे का टेस्ट आएगा बिल्कुल, क्योंकि टमाटरों की वजह से ही तो बनती है, टमाटरों की तो सारी रौनक है जी, क्योंकि मैं ज्यादातर टमाटर डालती थी ना हर डिश में अपनी, तो मुझे सब कहते थे आप पिशावर के लोग टमाटर बहुत ज्यादा डालते हैं, तो मैंने कहा फिर टमाटरों के बगैर मजा भी नहीं आता, और क्या कभी खुश नहीं रहते बिल्कुल। अब मैं टमाटर की कटिंग करूंगी, अच्छा डालें तो वो भी प्रॉब्लम है, अच्छा टमाटर मैं दिखाती हूँ, किचनेट जो है क्या कहते हैं मीमीज किचनेट के नाम से, ये टमाटर देखें, मैंने टमाटर ये वॉश्ड हैं, टमाटर आपने लेने हैं, अगर आप थोड़ा सा टाइम दें मुझे, अच्छा ठीक है ठीक है, हेड है ना भाई ये घर के सरबराह है, ये खातरे में नहीं लाते किसी को ये लोग, अच्छा जी हाँ इमन आप बता रही थी अपनी किचन, तो मैंने 2019 में शुरू किया और बहुत रैंडम स्टार्ट था, ठीक, नथिंग प्लान, कोई बिजनेस प्लान जॉट डाउन नहीं किया था कि बस बिजनेस करना है, बट ये कि सिंस आई वॉज रेज बाई माई फुप्पू एंड माई ग्रैंड मदर, अच्छा, तो दादो बहुत पर्टिकुलर थी कि चूल्हे के पास नहीं जाना, बट वो मुझसे छोटे छोटे काम कराती थी, भिंडी पका रही है तो मुझे कहेंगी कि उसमें जाके नमक डाल के आओ, अब उसको चला के आओ, देखो चूल्हे से दूर रहना, बट वो शी वुड मेक मी डू थिंग्स जो आप एक बच्चे से करा सकते हैं, सही, दैट वॉज आई नेवर रियलाइज कि दैट वॉज माई लर्निंग कर्व, मैं वहाँ चीज़ें सीख रही थी, ठीक हो गया, फिर इवेंचुअली सिंस माई मदर इज फ्रॉम हैदराबाद दक्कन, तो वो वाला एलिमेंट भी आ रहा था कि वो चीज़ें उस तरफ से भी सीख रही थी, ठीक, मैंने जब खाना बनाना शुरू किया तो माई फ्रेंड्स ऑलवेज यूज टू पुश मी कि तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, व्हाई डोंट यू डू इट एज अ बिजनेस, आई लाइक हाँ हु इज गोइंग टू डू दिस, सो आई वॉज इन माई लास्ट सेमेस्टर ऑफ मास्टर्स और हमारा एक फंड रेजर था, मैंने उस पर यूनिवर्सिटी में आई डिड माई you know basic biryani and all of this kind of stall, theek, aur to my surprise 2 ghante mein I was sold out, oh, and everyone was like are you going to restock, maine kaha maine to plan hi nahi kiya tha, to random socha hi nahi tha, socha hi nahi ki mujhe laga ki kaun khayega, matlab itni garmi mein bahar baith ke kaise biryani khani hai, us june july summer se, and I was just sold out, and everyone was like hame to aur khani hai, and that was the day when I realized ki nahi isko business kiya ja sakta hai, thoda cheeze streamline karne ki zarurat hai to think ke kaise start karna hai kya karna hai, so this is how I started, zabardast, but allah ka shukr bahut acche dost bahut achi supportive family mujhe mili ke when I started it, ab aap order based kaam kar rahi ho, I'm order based kaam kar rahi hu, I used to deliver food 2022 tak to offices, so I used to cook for over 250 people a day, akele karti hu, ye helper hai saath, helper ek thi mere paas, but then she left, so मेरा होता यह था कि सुबह उठ के बनाया और फिर अगले दिन का मेन्यू डिसाइडेड है, तो बाकी का दिन उसकी प्रेपरेशन में, सो मतलब मुझे कभी कभी लगता था कि मैंने अनकरीब देके बना के बेचना शुरू कर दूंगी, बिकॉज इट्स 250 पीपल एंड इट्स प्रैक्टिकली टू मच वर्क, क्योंकि मुझे ये था कि ओके आई हैव अ लॉट ऑफ ट्रस्ट इश्यूज विद पीपल कि यू नो आप उनको सिखा दें फिर वो चले जाते हैं छोड़ के, ये बहुत बड़ा एक टर्नओवर का मसला है, तो मुझे होता था कि नहीं मैंने मेन्यू भी खुद बनाना है, उसकी ग्रोसरी भी खुद करनी है, डिलीवर भी खुद करना है, आई शुड डू एवरीथिंग माय सेल्फ, कैसे करती थी मैनेज ये अर्ली इन द मॉर्निंग, एक दिन खाना बनाओ शाम तक घर वाले जहर लग रहे होते हैं कि फिर से ये लोग खाना खाने आ गए, जब बाहर से खाते हैं मुझे भी रहे होते थे, ऑनेस्टली स्पीकिंग लगते हैं मुझे भी बहुत बुरे थे, जब मुझे शाम को कहते ना चाय बना दो, क्यों बनाऊं भाई मैं चाय, मैंने नहीं बनानी, बट ये क्या यूज्ड टू डू इट एंड आई लव कुकिंग, आई थिंक इट्स थेरेप्यूटिक, आपको एक थेरेपी आती है, यू मेरा नाम जी एहसन रजा है जी, हाँ ये जो हुमा महमूद जो इस वक्त कुकिंग कर रही हैं, आज इनकी बर्थडे भी है, है? जी तो आप कैसे जानते हैं, पहले ये बताएं,
मैं आप इनको बताएं एहसन रजा की कॉल है तो देखने वो आगे से क्या कहते हैं। आप जानती हैं एहसन रजा को? अस्सलाम वालेकुम एहसन। अस्सलाम वालेकुम एहसन जी। हां वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, क्या हाल है? मामू की कॉल आई है, जबरदस्त। ये जो है ना एहसन, ये मेरा रूहानी भाई है। अच्छा मैं उधर आ रही हूं। और ये मेरे दिल के बहुत करीब है, तभी बर्थडे याद रखी है। और ये हर इलाके में जहाँ भी हम रहते हैं हमारे नेबर हो जाते हैं। जबरदस्त, क्या बात है भाई, बहुत अच्छा कि आप बता दिया आपने। अब केक तो नहीं, टमाटर काट लें। ये टमाटर देखें, हैप्पी बर्थडे कैसे बनाए मुझे ये बताएं। बर्थडे मेरी तरफ से जी, आपको मेरे घर वालों की तरफ से आपको बहुत हैप्पी बर्थडे, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और यकीनन खाने तो आपके वैसे ही मशहूर है, मैं तो वैसे ही बहुत खा चुका हूँ। और मेरा मतलब है इनका हर खाना एक से एक बढ़कर होता है। क्या खाना ही मजे का बनाती हैं। और ये तुम पुलाव जो खास कर दी, जो ये पुलाव बनाती हैं वो। और ऐसे तुम जाग रहे हो इस टाइम, ऑफिस में हो, तुम कहाँ हो? जी नहीं, मैं आज क्योंकि शिफ्टिंग की कहानी चल रही है जी, तो इसलिए हम सुबह 7 बजे के उठे हुए। अरे जबरदस्त जबरदस्त जी, तो पुलाव हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बनवाएंगे रानी से। बिल्कुल जी, इनसे आप कुछ चीज भी बनवाएं। जैसे ये है, इनके बच्चे भी वैसे ही टैलेंटेड है, इनके हस्बैंड भी वैसे ही टैलेंटेड है। मैं कह रहा हूँ ये पूरी फैमिली कमाल की फैमिली है। जबरदस्त जी, ऐसे ऐसे मालूम हो रहा है। उफल्ला एहसन, तुम्हारा बोलना कितना अच्छा है। आप लोगों को खुश रखे, बड़ा बड़ा अच्छा लगा आपको देखा, बहुत शुक्रिया। यकीनन, और आपको पता है हम पिशावर के लोग हैं, तो पिशावर के वालों के खाने होते ही जरा थोड़े से हाँ जी, हाँ बड़े जी। यूनिक और प्योर। बहुत शुक्रिया कॉल करने का एहसन सर आपका, बड़े आपका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और कॉल मिल गई मेरा, मुझे ये बड़ी खुशी है कि मैंने इनसे बात भी हो गई। आप सब लोगों का बड़ा अल्लाह ब्लेस यू। हैप्पी बर्थडे टू रानी। Yes. 1, 2, 3, happy birthday to you. Thank you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Rani. Happy birthday to you. खुश रहे, सलामत रहे, ऐसी मुस्कुराती रहे। और ना आपने बिल्कुल भी नहीं है। शुक्रिया। जिले हुआ हंसती मुस्कुराती अच्छी लगती है। आई छोटा सा क्लिप है ये, लेकिन एक माँ की जो फीलिंग होती है ना वो नजर आती है। ऊपर से जालिमों ने गाना भी वो लगा दिया है कि मतलब बड़ा अजीब सा होता है। माँ जो है ना बड़ा मजबूत रिश्ता होती है, बच्चे उसको बहुत स्ट्रांग भी करते हैं और ये जो है ना औलाद वीक भी कर देती है ना। अच्छा चल, इनको मत दिखाया अभी, ये आप अदरक काट रही, आंखों में आंसू आ रहे। अच्छा एमन, यू टॉकिंग अबाउट योर किचनेट। हाँ बताओ जी जनाब, कहाँ तक पहुंचा सफर? सफर बहुत अच्छा जा रहा है, बीच में थोड़ा सा टर्मोइल आया था लेकिन कोविड की वजह से। कोविड की वजह से? नहीं, नॉट कोविड की वजह से, कोविड में तो आई वाज डूइंग प्रीटी वेल। अच्छा हाँ, कोविड में आई वाज वेरी बिजी बिकॉज जाहिर है सारे फूड जॉइंट्स बंद थे, तो लोगों ने इंस्टाग्राम पेजेस की तरफ ज्यादा डाइवर्ट किया। बिल्कुल सही, एंड इट वाज अ वेरी गुड टाइम फॉर पीपल हु आर डूइंग समथिंग फ्रॉम होम, क्योंकि आपके जितने मेन जॉइंट्स थे सब बंद थे, तो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई आई वुड रादर से, तो वो बहुत अच्छा टाइम गुजरा। 2022 के एंड से लेके टिल जुलाई दिस ईयर, तब तक थोड़ा सा ब्रेक था। एंड तो आपको ऑर्डर्स मिलते हैं या आपका मेन्यू डेली का बना होता है? नहीं, ये ऑर्डर खाने। अच्छा, आई हैव अ सेट मेन्यू, वो मेरे पेज पे अपलोडेड है, मीमीज किचनेट ऑन इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एज़ वेल। यस, ठीक हो गया। एंड उस पे है मेरे जो व्हाट्सएप का नंबर पे शेयर्ड है, उस पे भी वो कैटलॉग बना हुआ है। बर्थडे इवेंट्स, निकाह सेरेमनी, आई केटर अबाउट a crowd up till 100-120. सही सही। तो उसमें ये कि थोड़ा सा आपको एडवांस बताना पड़ता है obviously, but ये कि I do that. Wonderful जी, एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। इमन बैठी हैं, जिले हुमा बैठी हैं हमारे साथ, खाने बन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं शहजा किबरिया बात कर रही हूँ। कहाँ से? इधर से, इस्लामाबाद से। अरे जबरदस्त, शहजा जी वेलकम कहेंगे आपको, क्या कहना चाहेंगी? जी मैं जिला उमा को मुबारकबाद देना चाहती हूँ, उनकी बर्थडे है। बिल्कुल, शहजा किबरिया देवरानी। देव, अब तो मजा आएगा। देवरानी आपकी ये जिठानी? और जिठानी है तो ये खुद देवरानी कैसी हैं? जी जी, ये खुद देवरानी कहती है। हमने बहुत अच्छा टाइम गुजारा है, बहुत कम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से मतलब बर्थडे भी वो किए हैं और बहुत अच्छे तरीके से इन लोगों के साथ टाइम गुजरा है। तो आप भी इनसे खानों की फरमाइशें करती हैं? आप तो कर सकती हैं ना? जी जी, मैं करती हूँ, मैं पकाती हूँ, मैं खुद भी कुकिंग करती हूँ। क्या बात है, हम माशाल्लाह वही हम दोनों ने मिल के शुरू में बहुत अच्छे अच्छा खाने बनाए वो किए। ये पहली बंदी देखी है ससुराल की, कॉल पे खुश हो रही है। मैंने आपको बोला था ना कि मेरी जो जेठानी है घर में होती थी, हाँ
तो मैं उनसे सीखती थी। वो है जी, ये वो है। अरे वाह, क्या कर रही हैं, पुत्र हमें चाहिए आपको हमारे पास। ये वो है। आपको भी शो में बुलाएंगे हम जरूर। जी जरूर मैं आऊंगी इंशाल्लाह। स्वीट, सो स्वीट। तो ये है कि मैंने कहा इनको देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। बस सेलिब्रिटी हैं, बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं। अच्छा। और बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाती हैं। और बस ये है कि अल्लाह इनको खुश रखे। आमीन आमीन। जरा हैप्पी बर्थडे गा के बोल देना। हैप्पी बर्थडे टू यू दिले उम्मा। आई सो स्वीट। जीती रहे, खुश रहे जी, हमने कॉल की। थैंक यू सो मच जी। जरूर ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कितने प्यारे प्यारे रिश्ते होते हैं यार, ये इतना अच्छा लग रहा है। गा के उन्होंने सुनाया जिले हुआ, बर्थडे जबरदस्त हो गई है, छा गई आप तो देखें, है ना। क्या प्लान है आज का, कहाँ केक खाना है क्या? ये तो मेरे बच्चों को पता है, रात को भी केक मेरी बच्ची लाई थी 12 बजे और अभी भी कुछ ना कुछ करेंगे। और मैंने अभी इसमें डाल दिए टमाटर। अच्छा अच्छा, आगे ये मैंने टमाटर डाल दिए, देखें ठीक हो गया। ये मैंने हालांकि टमाटर जो है खुशबू, हम जो है टमाटर पूरा पूरा टमाटर डालते हैं ना, काटते नहीं है, काटते नहीं है, लेकिन आज मैंने काटा है, टाइम की कमी है ना, बिल्कुल ठीक है ना। अब मैं इसको कवर कर दूंगी आज, ठीक है, चूल्हे की आंच तेज, थोड़ा सा मैं तेज करनी है, थोड़ी सी तेज करें कि टमाटर, और फिर लास्ट में मैंने ये चीजें डालनी है, ऐड करनी है, ठीक है। हरी मिर्ची वगैरह कुछ भी नहीं होती जी, ये लास्ट में ऐड करनी है मैंने, लाल में नहीं, नहीं 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 नहीं, क्योंकि अगर आप खाना चाहें ना तो फिर आप लाल मिर्चों का पाउडर, अगर आपको कोई बच्चा खाना चाहे, कोई बड़ा खाना, तो वो ऐड कर सकते हैं ना हम, ठीक है। और ये हमने लास्ट में ऐड करनी है। हमारी एक इंस्ट्रक्टर भी बैठी है, काश हम उनको दिखा सकते, जो इशारे करके बता रही क्या करना है, दिखा नहीं सकते। हाँ वो मेरी भी इंस्ट्रक्टर है ना। हाँ जी जी, वो मेरे घर में सबसे छोटी है, लेकिन वो सबकी इंस्ट्रक्टर है। जिसको आपने इग्नोर किया था, ये वो है, ये वो ही है। और जिसके पीछे मैं रोई थी, इसके पीछे रोई, ये वही है। बिल्कुल सही। अच्छा एमन का आपका मेन्यू होता है एवरीडे का ना? नहीं, मेरा मेन्यू सेट है, उसमें से यू कैन चूज एंड यू कैन ऑर्डर। ठीक है, तो अगर आपको शादी वादी के ऑर्डर्स मिले वो भी कर लेती है या? वो भी है। भुगताएं कितने? बहुत भुगताएं हैं, बहुत भुगताएं हैं। अच्छा, अभी भी मेरी फैमिली में जो भी डिनर्स होते हैं, सो मेरी मामी है, उनका मैं बहुत फेवरेट बच्चा हूँ। अच्छा, वो पहले बता देती हैं कि भाई इमन की डिश जो है ना वो स्टैंड आउट कर रही होगी, पता होता है। सो आई हैव बीन ब्लेस्ड इन टर्म्स ऑफ फ्रेंड्स। और आप लोग एक दूसरे को कैसे जानते हैं, रानी को आप? मैं इनकी बेटी को जानती हूँ। ओह अच्छा, इंस्ट्रक्टर जी जी, ठीक हो गया, उनको जानती है। और मैं करती रही, मैंने लास्ट 2020 इसी साल 2023 के आई थिंक फरवरी तक किया है। ठीक है, ठीक हो गया। ये ऐसे इवेंट्स होने चाहिए जहाँ पे लोगों को जो है और तेज करना है, मैक्सिमम पे हमने इसको कर दिया। बस ठीक है, अब कितने दिन में तैयार हो जाएगा? बस ये 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। आप भी ऑर्डर्स वगैरह लेती हैं खानों के? नहीं मैं नहीं लेती। तो फिर कैसे सिखाती हैं खाली? नहीं कुछ भी नहीं करती मैं, तो सिर्फ अपनी रेसिपीज बनाती हूँ अपने गेस्ट के लिए, अपने बच्चों के लिए कुकिंग कर ली, चीजें बना ली। कोई सीखना चाहे तो आ सकता है जी? कोई सीखना चाहे, कोई क्लासेस का इरादा है आपका? नहीं क्लासेस का तो फिलहाल इरादा नहीं है, क्योंकि बिल्कुल लाइफ बहुत बिजी है, लाइफ बहुत बिजी है, बहुत बिजी लाइफ है। कभी कोई शादी है, कभी क्या है, कभी क्या है, तो ये बच्चों के साथ पे वीडियो अपलोड हो जाए, उस दिन जो है ना बारिश होनी चाहिए, कि इतनी बिजी होने के बावजूद जो है वो आगे, ये स्ट्रक्चर हमारी, तो जो कि हमें हाँ ये इट वाज नॉट प्लान्ड, लेकिन हम दिखाए ना वो लोग जो बिहाइंड द सीन भी इतना काम कर रहे हैं, और इनकी सपोर्ट ना हो, जैसे कि एमन मामी का अपनी जिक्र करनी है, जिले हुमा की बच्चे हैं साथ साथ, जी जी, एक कॉल ही आ जाता तो अच्छा लग रहा होता है, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। और क्या, हस्बैंड के बारे में बताएं? हस्बैंड मेरे बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, माशाल्लाह से, और मेरी बेटियां हैं बहुत ज्यादा, उनको भी बहुत ज्यादा, उन्हें भी खाने का शौक होगा, जी जी क्यों नहीं, खाने का शौक है, मेरी बहुत हेल्प करते हैं, मिलके मतलब बिल्कुल, हम मिलके अपनी चॉइस करते हैं हर चीज का, मिलके प्लान करते हैं, कोई भी गेस्ट आ रहे हैं हमारे घर में, मेरे हस्बैंड, 3 मिनट रह गए जी, 3 मिनट रह गए, काम खत्म कर रहे हैं। अच्छा जी, अब ये मैंने लास्ट में टमाटर मेरे नरम हो जाएंगे, तो लास्ट में मैंने ये डालनी है हरी मिर्ची और धनिया डालना है, और मैंने ये अदरक काट के रखी है ना, ये डालना है, ठीक है, हो गया, डाल दूं बस, मुझे पकड़ा दे ढक्कन, ये पकड़ लिया ठहरे, बहुत गर्म है, हां इसको यहां रख दे, मैं डाल देती हूं ये हरी मिर्चें, और साथ ही मैंने थोड़ा सा धनिया डालना है, ठीक ठीक ठीक, थोड़ा सा धनिया हो गया, और साथ ही काश कैमरा इतना एडवांस हो जाए, खुशबू पहुंचे लोगों के घर, थोड़ी सी अदरक डाल दूंगी ना, ये पहले मैंने डाली है, बस अब ज्यादा नहीं डालनी, ठीक है,
और इसको हमने करना है अच्छा मिक्स मिक्स करना और है। इसको लास्ट में इसको हमने फुल मतलब आंच करके ना ये फ्लेम जो होता है फुल करके इसको हमने टमाटरों को उनको भूनना होता है। जब भून जाए तो आपका जो कढ़ाई है वो रेडी है। रेडी है बिल्कुल ठीक है। हाँ जी उसके बाद आपने नान मंगवाने जी और साथ सॉफ्ट ड्रिंक्स मंगवाए जी रायता सलाद नो लुकिंग बैक लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दिया फिर आराम से खाएं और जान बनाए। और अगर आपने राबता करना मजीद कुछ रेसिपी सीखने के लिए तो मीमीज किचन भी है और बिल्कुल आपके रानी किचन भी है रानी सीक्रेट रेसिपी यूट्यूब चैनल है मेरा वो भी देखें ठीक है उसमें बहुत ज्यादा रेसिपीज हैं काफी ठीक है जी देखें सबको देखेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद टाइम कम है मुकाबला सकते हैं हमारे साथ रहिए ठीक है। पसीना पसीना हो गया इतना काम कराया ना रानी ने आते ही मुझे पता बर्तन भी धुलवाएंगे मेरे से ये जी हमारी नमकीन कढ़ाई जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है ये देखें इसमें जो टमाटर होते हैं ना उसके जो छिलके होते हैं ना वो हम निकाल लेते अच्छा, हैं वो लैदा हो रहे हैं ये लैदा हो रहे हैं ये हम निकाल के बस रख देते हैं और अभी टाइम की कमी है वरना मैं पूरे टमाटर पूरे पूरे डालती और उसमें से ये छिलका उतारना भी आसान और हीट को आपने करना है तेज फ्लेम को आपने तेज कर देना है क्योंकि हमने ये टमाटर है टमाटरों का जो पानी होता है उसको भी हमें ड्राई करना है। तो ये हमारी बन गई मटन पेशावरी कढ़ाई जो बहुत ही फेमस है केपीके में और हमारे घरों में दावतों में इसके बगैर दावत हमारी नामुकम्मल होती है इनकम्प्लीट होती है। हाँ अच्छा आपने इन्होंने लिया 1.5 किलो लैम का गोश्त दुम्बे का गोश्त दुम्बे का गोश्त भी ले सकते हैं बकरे का बकरे भी ले सकते हैं जी साथ डालिए इसमें चर्बी उसकी खुशबू आ रही है असल चीज़ वो ना चर्बी की खुशबू है जो बिल्कुल टमाटर अच्छी बात है उस साइड की क्यूजीन की है कि यू डोंट ऐड अ लॉट ऑफ स्पाइसेस बिल्कुल भाई जो पंजाबी खाने ना देयर ओवरपावर्ड विद स्पाइसेस हैदराबाद वाले सारी कसर हैदराबाद वाले तो बिल्कुल ही मैं कहती हूं कि जो मसाला घर में नजर आए ना वो डाल देने के बाद फिर आप यू कैन पीते रहे हफ्ते तक मगर ये कि पेशावरी क्यूजीन जो है आई लाइक इट्स वेरी मिनिमम स्पाइसेस एग्जैक्टली एंड एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी कैन ईट इट इट्स नॉट हैवी ऑन योर स्टमक सबसे अच्छी बात और साथ हम पीते हैं वहां पर ग्रीन टी और पेशावरी कहवा हमारी जो पत्ती है पेशावर की बहुत फेमस और वहाँ का पानी बहुत अच्छा है तो अब तो हम खुद यहाँ आ गए हाँ। तो अब क्या करें मिस करती है पेशावर को और बहुत ज्यादा जाते हैं ना अभी भी 14 अच्छा, को भी जाना है हिंको वगैरह हम हिंको तो हिंको और पश्तो और पश्तो में ये है कि दा जमुंगा केपीके कढ़ाई दे दा शनमारी कढ़ाई दे दे के वाह दे के दा मूंगा इस्तेमाल को देर ज्यादा अलता नरम केगी पिखावर के का ना हाँ। और असी असी जड़ा बनाने आ गोश्त पिशोर चेंज हो गया असी पिशोरी पिशोर दे का जैसी गोश्त बनाने आ ओ दुंबे दा गोश्त होंदा है ते ओ जड़ा वे ते ओ बहुत जल्दी गल जांदा है क्योंकि ओ मैदानी इलाका है पिशावर इसलिए इधर पहाड़ी इलाके दे कार अक्सर जो मटन होंदा है ओ कट गलदा वे ना तो बस अब मैं इसको करती हूँ डिश आउट ये मुझे दे दें इसमें मैं डालती हूँ इमन बिरयानी रेडी रखना नेक्स्ट टाइम बिरयानी खिलानी है हमें ये देखें ये मैं डिश आउट कर रही हूं और अगर ये उसकी रोटी है ना बाजार की डन कर लेंगे आप लोग आ जाइएगा बाजार की रोटी हो ना और इसके साथ खमीरी रोटी के साथ हम खाते हैं ठीक आपको पता होगा पेशावर में खमीरी रोटी खाई जाती है यस और उसके साथ चूल्हा लगा रहे खैर थोड़ा सा पानी हाँ ठीक हो जाए टमाटर अपना पानी छोड़ते हैं देखिए मैंने पानी थोड़ा सा डाला है पानी बिल्कुल इसमें नहीं डलता ना जरूरत ही नहीं पड़ती ना अपने पानी में गल जाता है ये देखें चलें आप फ्लेम ऑफ बाकी रहने दे बच्चे को नहीं करना फ्लेम ऑफ कर दें अच्छा फ्लेम ऑफ कर दें राहत करो छोड़ दें आप छोड़ दें इसको हम साइड से साफ कर देते हैं कर दें और रखें और यहां रख दूं जी मैं सामने नजर आता रहे सही हां ये रखें ये देखें गार्निश कर देते हैं हम और थोड़े से हम धनिया इसके ऊपर और डाल देंगे धनिया जो है ना वो हर खाने की शकल जो है ना चेंज कर देता है मेकअप में फिनिशिंग टच होता है ना उसी तरह धनिया मुझे लगता है हर खाने का फिनिशिंग अदरक मैंने शामिल कर दी ये देखे हमारी मटन शिमारी जवारा जी हैप्पी टू यू अल्लाह मियां ऐसी बरकत दे आपके खानों में आप दोनों के खानों में बिल्कुल आप खाया भी करें ना मुझे से लोगों को चलें बिल्कुल ठीक है इंशाल्लाह आप हमें मौका दें और हम इतनी मायूसकुन हूं मैं नहीं नहीं इसमें सोच सकते बिकॉज़ इट्स अ वेरी बिग कमिटमेंट आप किसी को सिखा रहे हैं आपको खुद वहां पे क्या प्लान्स हैं आप दोनों के
फ्यूचर के प्लान्स someday or the other I'll open up a restaurant. Inshallah. रानी आपके क्या प्लान है? क्या मेरी सोचा है? मेरी यही प्लान है जो मैं आपको नजर आ रहा है, इसी को जारी रखेंगे, इसी को जारी रखूंगी इंशाल्लाह. ठीक हो गया, खुश रहे जी. इसी तरह से आपने रोना बिल्कुल भी नहीं है, हंसते मुस्कुराते रहना है और नमकीन कढ़ाइयां बनाती रहे. इमन आपके हाथ में लज्जत रहे और अल्लाह करे आपका रेस्टोरेंट खुले, फिर उसकी ओपनिंग हम आएंगे, रेड कार्पेट पे आएंगे इंशाल्लाह ताला. तो उम्मीद है कि जी आपने हमारा आज का शो बड़ा हैपनिंग शो रहा, इंजॉय किया होगा. कॉल्स का करने का बहुत शुक्रिया. कल और मेहमानों को लेकर आएंगे, बहुत सी बातें करेंगे. रानी को और हमारी जो ईमन है, इनको आप इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं. खुश रहिए, खुशियां बांटिए, अपना ख्याल रखिएगा. मिलके बोलेंगे, अल्लाह हाफिज़.